अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी के आर के की, जिसके अंदर इस इंसान ने आर 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 मूवी का रिव्यू कर रखा है। अब जो मूवी होती है किसी इंसान को पसंद आ सकती है नहीं आ सकती है, जिसको आती है वो डेफिनेटली वो उसकी अच्छाई गिनाता है, जिसको नहीं आती है वो उसके बारे में बुराई करता है। अब मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको मूवी पसंद आई है ये आपका ओपिनियन है, आपको नहीं आई है ये भी आपका ओपिनियन है, और मुझे इससे किसी भी चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आपको अपना अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है भी। लेकिन आप जब कहते हो कि ये जो एक्टर हैं वो भालू जैसे हैं, तो आप किसी की बॉडी को लेकर, या फिर आप उनको कह रहे हो कि अब वो 4 फुट हैं, ये तो कहीं से भी मूवी का रिव्यू के अंदर तो नहीं आता ना। ये इंसान अपनी वीडियो के अंदर रामचरण सर, जूनियर एनटीआर सर, इनको ये कह रहे हैं कि भालू जैसे हैं, साउथ इंडियन एक्टर जो हैं वो भालू जैसे हैं, इनकी हाइट 4 4 फुट जितनी है। इवन यहीं पर भी नहीं रुकता, वो SS राजामौली सर को, उनका नाम को खराब करते हुए कहते हैं ये तो मूली, मतलब इस इंसान के पास अक्कल नाम की चीज भी नहीं है। 9,80,000 सब्सक्राइबर हैं इसके पास। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार भी फेल हो गई होगी, मतलब शिक्षा देने के अंदर, क्योंकि 9,80,000 को वो आज भी शिक्षित नहीं कर पाए हैं। इस जैसे बेवकूफ प्राणी आते हैं, मुंह में आया जो अपने इसके दिमाग में गंद भरा हुआ है उसे मुंह से निकाल देते हैं, और ये सरकार के विरोध भी करते हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे कहते हैं कि यार सरकार इतनी खराब है, इनकी नीतियां इतनी खराब हैं, और लोग इन जैसे गधों को सुन भी रहे हैं। कमाल की बात है, इस जैसे प्राणी जो हैं वो रंग रूप के आधार पर लोगों को कैटेगराइज कर रहे हैं कि भैया ये 4 फुटा है, ये भालू जैसा है। भाई इस हिसाब से तो भैया तुम्हारी शक्ल जो है मेरी गली के कुत्ते से भी बहुत ज्यादा खराब है यार। वो गली का कुत्ता देखता हूँ तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू मैं तुझ जैसे इंसान को देख लूँ। और इवन हाइट की बात करूँ, उस कुत्ते की हाइट भी तुझसे ज्यादा हो जाएगी। अब यार वो बुरा मान जाएगा यार, अब उसको पता चलेगा कि मैंने KRK का मतलब कंपैरिजन कुत्ते के साथ कर दिया, अब कुत्ता मुझसे भड़क जाएगा, कह रहे इतनी ही वैल्यू रह गई कि मैं KRK के बराबर आऊं। कम से कम कुत्ता वफादार तो होता है, रक्षा तो करता है, लेकिन क्या ही बोल रहे हैं आप। कहीं ना कहीं इस इंसान की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि यार ये दिमाग से सटक चुका है, इसको अपने इलाज कराने की बहुत जरूरत है, इसको पागल खाने में कुछ टाइम गुजारना चाहिए ताकि इसकी अकल सही ठिकाने पे। या फिर ऐसा हुआ होगा यार, इस इंसान को घर पे अटेंशन नहीं मिलती होगी, तो बाहर कुछ काम करके देखो। या तो इंसान कैसे अटेंशन पाता है, बहुत अच्छा काम करता है तो लोग उसे जानने लगते हैं, उसे पूछने उसके बारे में पूछने लगते हैं एक, या फिर बहुत घटिया घिनौना काम करेगा ताकि लोग उसको गाली देने आ जाए, अटेंशन तो तब भी मिलती है। अच्छा अच्छा काम तो ये कर नहीं सकता क्योंकि इसको वैसी शिक्षा मिली नहीं हुई है, बेचारा बचपन से ही शायद इसको पोलियो की खुराक नहीं दी गई होगी तो सटक गई होगी इसकी। कर क्या सकता है कि बुरे काम कर सकता है, लोगों की बुराइयां कर सकता है, बहुत गंदे गंदे कमेंट कर सकता है, लोगों की बॉडी शेमिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकेगा, मतलब गंदे काम करेगा ताकि लोग इसको गाली देने आए और बेचारे का घर खर्चा चल सके और इसको थोड़ी बहुत अटेंशन मिल सके। और यही काम ये जो है वो काफी टाइम से करता आ भी रहा है, इस जैसे इंसान जिसके 9,80,000 सब्सक्राइबर है। मुझे कमाल की बात है यार, इतने लोग आज की डेट में अशिक्षित घूम भी रहे हैं, मतलब बकायदा सबूत है यहां पर। 9,80,000 तो सबसे बड़े डम होंगे जिन्होंने इस जैसे इंसान को फॉलो भी कर रखा है। देखो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, बक रहा था अपना, जितना इसके पास दिमाग है उतनी बुद्धि का ये यूज कर रहा था, मतलब खाली खोपड़ी का यूज कर रहा था। लेकिन इसको अपनी लिमिट को समझना चाहिए, और कोई तो मुझे लगता है इसको समझाने वाला होना चाहिए कि मुंह में आए वही बके जा रहा है इंसान, मतलब कुछ भी बोल रहा है यार, लोगों के बारे में कुछ भी कही जा रहा है, चाहे वो लेडीज है उनके ऊपर भी इसने गंदे गंदे कमेंट कर रखे हैं। तो इसको थोड़ी बहुत अकल की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब ज्यादा तो नहीं कहूंगा, थोड़ी बहुत तो जरूरत है। मतलब अभी भी जाए शायद कोई, मतलब ऑब्वियसली सरकार ने काफी सारी शिक्षा मतलब देने के लिए प्रोग्राम चला रखे हैं, वहां पर जाके भर्ती हुई थोड़ी बहुत तो शिक्षा ले, जाने देश के बारे में, जाने देश छोड़ो यार, कम से कम अपनी मॉरल एजुकेशन को तो इंक्रीज कर ले कि भैया क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इतने सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, क्या तुम इनको शिक्षा दे रहे हैं क्या नहीं। शिक्षा के बारे में पता ही नहीं होगा इनको ना, शिक्षा कोई शब्द होता है, शिक्षा एक शब्द होता है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, इन जैसों के बारे में बात करके भी अपनी जवान गंदी करने के बराबर रात आ जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।